थोड़ा सा पीछे ऊपर छाया तनिष्क ज्वेलर्स अजमेर पहले से भी बेहतर सेफ्टी के गोल्ड स्टैंडर्ड्स के साथ तैयार है आपके आगमन के लिए सुंदर आभूषण और बेहतरीन कलेक्शन के लिए आज ही अपॉइंटमेंट बुक करें विजिट तनिष्क ज्वेलर्स इंडिया मोटर सर्कल अजमेर। आज कोरोना योद्धाओं का सम्मान रखा गया है क्योंकि कोरोना के कारण से हमारे बहुत सारे मित्रगण हमारे परिजन अकाल मृत्यु का ग्रास बने हैं लेकिन जन जागरूकता के अभाव में हम अनायास ही इस वायरस के संपर्क में आ जाते हैं और उससे जो है व्यक्ति संक्रमित होता है। हमारे जो सफाई कर्मचारी हैं स्वच्छता सैनिक हैं उन्होंने लॉकडाउन के समय से लेकर के अब तक इतने भयानक बीमारी के वक्त भी स्वच्छता का ध्यान रखा है और उसी को ध्यान में रखते हुए ये आज स्वच्छता सैनिकों का सम्मान आगे बढ़ते रहे ताकि लोगों तक ये संदेश को पहुंचाया जा सके कि कोरोना जो है वो एक भयावह बीमारी है इससे बचने का एक ही उपाय है सिर्फ मुंह पर मास्क और 2 गज दूरी यदि ये रखेंगे तो निश्चित रूप से हम जो है किस कोरोना वायरस से बच सकते हैं। आपके जन्मदिन के अवसर पर लोगों में बहुत देखो जन्मदिवस तो हर वर्ष आता है ना और यदि जन्म हुए हैं तो निश्चित रूप से हर वर्ष वो दिन आने वाला ही है लोगों में उत्साह है अच्छी बात है ना। मैं तो इतना ही मानती हूँ कि मेरी उम्र का 1 वर्ष घट गया है। आज हमारी क्षेत्रीय विधायक माननीय श्रीमती अनीता जी बदेल का जन्मदिवस है और हमारी ओर से हमारी संस्था पहल जन सेवा संस्थान की ओर से चूँकि कोरोना काल और उससे पूर्व भी हमारे नगर निगम के जो स्वच्छता कर्मी हैं जो हमारे स्वच्छता सैनिक हैं जिस प्रकार सरहद पर हमारे सैनिक हमारी सुरक्षा करते हैं वैसे ही हमारे घर में यहाँ स्वच्छता का ध्यान रखते हुए ये सफाई कर्मचारी हमारे स्वच्छता सैनिक हैं इसलिए हमने इन स्वच्छता सैनिकों के सम्मान में कोरोना वॉरियर सम्मान का कार्यक्रम रखा है जिसमें हमने लगभग सभी वार्डों को क्रमबद्ध तरीके से बुलाकर सभी महिला सफाई कर्मचारी एवं पुरुष सफाई कर्मचारी को माननीय मंत्री श्रीमती अनीता जी बदेल के मार्गदर्शन में और उनके सानिध्य में सम्मानित किया जा रहा है। इससे पूर्व भी संस्था कई प्रकार के सामाजिक सरोकार के कार्य करती रही है। इसमें सर हमने हर वार्ड को बांट कर हर वार्ड वाइज 2-2, 3-3 वार्ड के लोगों को बुला के ब्लॉक वाइज हमें देकर इस तरीके से बुलाया लगभग 1300 कर्मचारियों को आज सम्मानित किया जाएगा। नितेश आत्रे पहल जन सेवा संस्थान।